से हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द केयरलेस राइडर। तो देख सकते हो सुबह के बज चुके हैं 9 और मेरे रूम का हाल आप देख ही सकते हो। चलो रूम तो हो ही जाएगा साफ। मतलब इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है कि बहुत से बंदे मेरे को पूछ रहे हैं भाई वीडियोस क्यों नहीं अपलोड कर रहा है, भाई तेरी वीडियोस नहीं आ रही है, वीडियोस नहीं आ रही है। और भाई मैंने एक बात नोटिस की, मतलब मैं जो अपनी मोस्ट ऑफ वीडियोस है फ़ोन पे बनाता हूँ, तो मतलब मैं मतलब अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे कि मैं स्क्रीन की तरफ देख रहा हूँ तो मतलब मेरी आईज जो है वो दूसरी तरफ जा रही, तो इसके लिए मैं चश्मा डाल लेता हूँ जिससे आपको अजीब सा ना लगे। तो आते हैं मेन मुद्दे पे। मतलब जो मेरी एंटोर्क 125 है उसका एक्सीडेंट हुआ था लगभग 1 या 2 हफ्ते पहले, तो वो अभी है और इंटर टीवीएस कांगड़ा में एजेंसी में खड़ी हुई। वो तो पूरी डैमेज, पूरी तो नहीं मतलब थोड़ी बहुत डैमेज हुई है उसका। जो हमने इंश्योरेंस क्लेम करवाई थी तो आपको बताइए इंश्योरेंस का काम थोड़ा स्लो होता है, तो मैंने उन्हें कल, हाँ कल किया था फ़ोन उन्हें, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई आगे का कुछ रह गया, मतलब मड गार्ड या आई थिंक शॉकर्स वगैरह रह गए हैं लगाने को, उसको वेट कर ले 1-2 दिन और। तो हम देखते हैं फिर, वेट करते हैं 1-2 दिन और फिर अपनी फील्ड में आते हैं, जॉगिंग स्टार्ट करते हैं, तबाही मचाएंगे। वैसे आप देख ही सकते हो कि मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और हिमाचल में कुछ ऐसा सीन है कि रोज़ ही बारिश लग रही है, बारिश हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो घूमने भी कहाँ जाएँ, ब्लॉगिंग भी कहाँ पे शूट करें, वीडियोस भी कहाँ पे बनाएं। तो यार इस चश्मे को हटा ही देता हूँ, अजीब सा लग रहा है पहनना मेरे को। सो थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग माई वीडियोज़। तो 1-2 दिन वेट कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। मेरी एंटोर्क को आने दो, बस मेरी एंटोर्क को आने दो, फिर तबाही मचा देंगे भाई, तबाही टोटली। ब्लॉग्स, डेली ब्लॉग्स शूट करूँगा मैं, थोड़ी हिम्मत रखेंगे ब्लॉग शूट करने की। होप यू आर इन्जॉइंग माई वीडियोज़ फॉर। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक करके जाए। से गुड बाय गाइस।